बहराइच आदर्श नगर पालिका परिषद नानपारा क्षेत्र में 15 पोलिंग स्टेशन है और इसमें 51 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों पर गुरुवार की सुबह मतदान शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। 3 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो चुका था। आगे मतदान जारी रहा। नगर में 2 बार चेयरमैन रह चुके नसीबुन्निसा उर्फ मलुकन ने सुबह ही मतदान किया। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य मुकुंद तिवारी ने कहा कि मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। समाज सेवी नसीब अहमद ने मजदूर मॉन्टेसरी स्कूल में पहला मतदान किया। नौरीन खान ने उलू में जाकर पहली बार मतदान किया। उन्होंने कहा, मतदान हमारे अधिकार है, अधिकार का प्रयोग करते मुझे अच्छा लगा। जनता इंटर कॉलेज नानपारा के बूथ संख्या 45 पर 773 मतदाताओं ने 2 बजे तक 430 ने मतदान किया था। पुरानी आईटीआई में मतदान संख्या 32 पर 907 मतदाताओं ने 2:30 बजे तक 480 मतदाताओं ने मतदान किया था। सहकारी क्रय विक्रय समिति के बूथ संख्या 30 पर 953 मतदाताओं ने 3 बजे तक 443 ने मतदान किया था। मिस बहुल उलूम के बूथ संख्या 49 पर 952 मतदाताओं में 3:10 तक 464 मतदान किया था। कसाई टोला के 100 वर्षीय वृद्धा महिला सारा बानो ने नानपारा देहात पोलिंग स्टेशन पर बनाए गए पिंक बूथ संख्या 22 पर मतदान किया। बैग भगवान दीन इंटर कॉलेज में पहली बार मतदान करने आई प्रीति यादव ने कहा कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर बहुत अच्छा महसूस कर रही है। जनता इंटर कॉलेज नानपारा नशा और फायजा जमाल ने पहली बार मतदान किया। इन लोगों ने बताया कि उन्हें बेहद खुशी है। पूर्व चेयरमैन अब्दुल वहीद ने बताया कि मतदान बहुत अच्छा चल रहा, मतदान के प्रशासन स्तर पर सब कुछ ठीक व्यवस्था है। जनता ने बताया कि नानपारा से अध्यक्ष पद प्रत्याशी में निवर्तमान चेयरमैन अब्दुल मोहित राजू, पूर्व चेयरमैन अब्दुल रहीम इनकी लड़ाई है। भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ओम प्रकाश शर्मा है। अब देखना है नानपारा नगर में विजय कौन होता है। नानपारा नगर में 5 बजे तक 58% मतदान हुआ। वहीं बहराइच जिले में शाम 5 बजे तक लगभग 49% मतदान हुआ। शांतिपूर्वक मतदान का जायजा लेने के लिए आज सुबह ही नानपारा में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ पहुंचे और उन्होंने मतदान स्थलों का जायजा लिया।